हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये इसका एग्ज़ाम जो है 13 अप्रैल 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो पहला टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं इसमें, इन द फॉलोइंग पैसेज, दिए हुए पैसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्द को जो है इसमें डिलीट किया गया है। रीड द पैसेज केयरफुल्ली, इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ें। एंड सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। टू फिल इन ईच ब्लैंक, प्रत्येक खाली जगह को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये पहला टाइप का सवाल में आपको 5 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 5 नंबर का आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड रहेगा। एक पैसेज में आपको कुछ वर्ड डिलीट किया हुआ रहेगा, आपको पढ़ करके सेंटेंस पढ़ करके जहाँ पर ब्लैंक है उसके लिए आपको 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा, आपको उसी में से सेलेक्ट सबसे उपयुक्त आंसर इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, पैसेज किस चीज़ के बारे में दिया गया है। द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश, किसी स्टोरी के बारे में आपको दिया गया है। तो द ग्रीडी मैन, लालची आदमी, रश्ड होम, घर जाना प्रारंभ किया, रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बताने के लिए, पत्नी और बेटे को बताने के लिए, अबाउट हिज विश, उसकी मनोकामना, किसी तरह का उसका अगर विश या मनोकामना उसका अगर पूरा हुआ है उसी को बताने के लिए अपना घर वो जाना प्रारंभ किया। ऑल दी, अब यहाँ पर आपको ब्लैंक आ रहा है, ऑल दी डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पथ एंड, यहीं तक आपको बनाना है, ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। ऑल दी के बाद जो है आपको देखिए, टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, सभी वस्तु को छूते हुए, टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पथ, उसके रास्ते में, अपने रास्ते में सभी वस्तुओं को छूते हुए। तो यहाँ पर ऑल दी के बाद क्या प्रयोग होगा, ऑल द इंटरवल, तो ऑल द इंटरवल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सभी अंतराल, ऑल द इंटरवल का मतलब हो जाएगा सभी अंतराल, सभी वस्तुओं को छूते हुए। तो इसका कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं बैठता है, तो ये हमारा जो है ये इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ऑल दी वे साइड, सभी रास्तों में, सभी तरह के रास्तों में वस्तुओं को छूते हुए अपने पथ में, अपने पथ पे, तो ये जो है ये भी हमारा उपयुक्त नहीं बैठता है इसमें। ऑल द बीट, इसका मतलब भी होता है सब कुछ, ऑल द बीट का मतलब सब कुछ। सब कुछ छूते हुए, अपने रास्ते में वस्तुओं को सब कुछ छूते हुए, ये कुछ आपका करेक्ट, कुछ कुछ आपका सही बैठता है सेंटेंस में। लेकिन एक और आपका चेक करेंगे, ऑल दी व्हाइल, ऑल दी व्हाइल, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं यह सब होते हुए, यह सब कोई भी काम जब जारी रहता है तो उस समय हम लोग व्हाइल का प्रयोग करते हैं। द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश, अपने मनोकामना बताने के लिए घर जाना प्रारंभ किया, ऑल दी व्हाइल, तो यहाँ पर यह प्रयोग होगा, यहाँ पर यह सब होते हुए, यह सब होते हुए, टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, सभी तरह के, टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को छूते हुए, इन हिज पथ, अपने रास्ते में सभी तरह के वस्तुओं को, तो यहाँ पर जो है आपको सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन यहाँ पर व्हाइल का प्रयोग होगा, टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पथ। अब यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस आपका इसमें स्टार्ट हो रहा है, एंड वाचिंग, एंड वाचिंग ब्लैंक कन्वर्ट इनटू गोल्ड, एंड वाचिंग, किसको वाच करेगा, किसको, ऑल द व्हाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पथ एंड वाचिंग देम, उनको देखते हुए, तो पहला ही आपका इसमें करेक्ट हो रहा है, एंड वाचिंग देम, उनको देखते हुए कन्वर्ट इनटू गोल्ड, सोना में बदलते हुए, तो अपने सभी उस वो जिस रास्ता से जा रहा था तो जिसको भी छू रहा था वो जो है सभी सोना में बदल रहा था, तो देयर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, वाचिंग देयर, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, देयर का प्रयोग
देयर ये भी प्रयोग नहीं होगा, वाचिंग देयर वहाँ देखते हुए ये भी प्रयोग नहीं होगा, ये भी सुटेबल नहीं है। दोज मतलब वो सब हो गए, यहाँ भी ये सुटेबल होता है। यहाँ सबसे करेक्ट आपका होगा देम होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर देम का प्रयोग होगा। एंड वाचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड, वंस ही गोट होम एक बार जब हुआ घर पहुँच गया, वंस ही गोट होम हिज डॉटर, अब यहाँ देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, हिज डॉटर ब्लैंक टू ग्रीट हिम, हिज डॉटर ब्लैंक टू ग्रीट हिम। देखिए जब वह घर पहुँचा तो उसकी बेटी जो है उसका अभिवादन करने के लिए क्या किया, तो यहाँ पर हुआ आगे बढ़ा, आगे बढ़ना या फिर चलना, तो यहाँ पर हो जाएगा रस्ट, पहला है रस्ट का प्रयोग किया गया, दूसरा है हैज रस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है सभी जो है पास्ट में प्रयोग किया गया, यहाँ पर सेंटेंस जितना है वंस ही गोट होम, तो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट होगा पास्ट इंडेफिनिट में ही, हिज डॉटर, तो हैज रस्ट ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा, और वाज रस ये भी गलत सेंटेंस है, वाज रस, रसिंग सिर्फ रसिंग का प्रयोग भी नहीं होगा। तो एज सून वंस ही गोट होम हिज डॉटर रस्ट ये विकल्प हमारा सही होगा, हिज डॉटर रस्ट टू ग्रीट हिम उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। अब देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, अब देखिए एज सून एज ज्यों ही बेंट ब्लैंक ही बेंट टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म्स, जैसे ही हुआ क्या बेंट मतलब झुकना, जैसे ही वह झुका टू स्कूप हर अप उसे उठाया अपनी बाहों में भरने के लिए, तो एज सून एज ही वेंट डाउन झुकना यहाँ पर यह होगा, जैसे ही वह झुका तो वेंट अप मतलब तो ऊपर उठाना होगा, ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। बेंट थ्रो यहाँ पर ये भी विकल्प नहीं होगा, एलोंग का भी विकल्प नहीं होगा, तो बेंट डाउन यहाँ पर नीचे झुकना का मतलब होगा, बेंट डाउन का प्रयोग करेंगे। एज सून एज ही बेंट डाउन टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म्स, अब देखिए सी टर्न्ड इनटू ए गोल्डन स्टैट्यू, तो वह जो है सोने की मूर्ति में बदल गई, सी टर्न्ड इनटू ए गोल्डन स्टैट्यू, ही वाज अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ही वाज ब्लैंक एंड स्टार्टेड क्राइंग, तो ही वाज क्या हो गया, ही वाज डिमोलिस्ट, तो डिमोलिस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ ध्वस्त करना, जैसे मकान ध्वस्त करना डिमोलिस्ट, तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। डिवास्टेटेड मतलब सदमाग्रस्त होना, और डिस्ट्रॉयड का मतलब तो बर्बाद होना है, डिटरमाइंड का मतलब निर्धारित होना, तो ही वाज डिवास्टेटेड वह जो है सदमाग्रस्त हो गया था, ही वाज डिवास्टेटेड एंड स्टार्टेड क्राइंग और रोना प्रारंभ कर दिया, स्टार्टेड क्राइंग एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू लाइफ, और कोशिश करने लगा अपनी बेटी को पुनः जीवन जिंदा पाने के लिए, बैक टू लाइफ जीवन जिंदा बनाने के लिए फिर से जो है उसके लिए प्रयास करने लगा, एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक इन टू लाइफ। तो इस तरह का सेंटेंस में जो है फिल इन द ब्लैंक्स में जो है जो आपको चार विकल्प दिया हुआ रहेगा इस ब्लैंक के स्थान पर चारों विकल्प को आप बैठा करके देख लीजिए, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपका कौन सा जो है वर्ड जो है सबसे सुटेबल उस सेंटेंस में आपका बैठ रहा है, तभी हम जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।